ऑटो एक्सपो में जो सबसे ज्यादा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहा वो रहा मारुति। बैक टू बैक एक के बाद एक मच अवेटेड गाड़ियां लॉन्च की गई, और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ है शशांक श्रीवास्तव। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, शुक्रिया। सर मेरा सबसे पहला सवाल जिम्नी पर ही रहेगा। सर मच अवेटेड कार थी सर, और आखिरकार लॉन्च हो गई है। सर इसके फीचर्स क्या हैं, आने वाले टाइम में कब तक हम इसकी डिलीवरी देख सकते हैं, और खासकर एसयूवी सेगमेंट में आपका अभी 16% मार्केट शेयर है, तो क्या ये लीड करेगी सर? जी देखिए, ये कॉम्पैक्ट एसयूवी है, आप देखें इसकी जो लेंथ है करीब 4 मीटर के करीब है, और इसका ये इसके प्योर एसयूवी कोड्स हैं। प्योर एसयूवी कोड्स मतलब इसकी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है। हमने देखा कि जब एंट्री एसयूवी जो कॉम्पैक्ट एसयूवी का जो सेगमेंट है वो बहुत तेज़ी से ग्रो किया है। हमारी एक गाड़ी उसमें है ब्रेजा, लेकिन जब कोई सेगमेंट बड़ा होता है तो और वॉल्यूम बढ़ते हैं तो हमारे को ये एक्सपीरियंस है कि उसके अंदर सब सेगमेंट अमर्ज होते हैं। जो अलग अलग कस्टमर्स, टाइप ऑफ कस्टमर्स हैं, मुख्तलिफ उनकी रिक्वायरमेंट होती हैं, उनके लिए एक यू नो वॉल्यूम उस सेगमेंट में भी वॉल्यूम आता है। तो हमने कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में एक ऐसा सेगमेंट देखा, जो एक्चुअली दो सेगमेंट देखे, जो मैं दूसरी गाड़ी फ्रॉन्क्स है उसके बारे में भी बात करूंगा, जिम कि कुछ ऐसा एक सेगमेंट है जहां पे एक लाइफस्टाइल टाइप ऑफ एसयूवी की रिक्वायरमेंट है, जिसमें ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी अच्छी हो, और ये जो गाड़ी है जिमनी ये उसके लिए बिल्कुल सटीक है, एंड दैट इज़ वाई वी हैव लॉन्च इट। और जैसे आपने कहा ये मच अवेटेड गाड़ी है, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छी है, इसकी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी आपने देखी, इसमें 1.5 लीटर इंजन है, और अंदर जो है एक बहुत मिनिमलिस्टिक इंटीरियर है, विच इज़ बट इट इज़ अ वेरी गुड हाई क्वालिटी इंटीरियर्स, एंड आई थिंक दिस व्हीकल इज आइडियली सूटेड फॉर लाइफ स्टाइल टाइप ऑफ कस्टमर हु इज ऑल्सो इन टू ऑफ रोडिंग, and it could also be good for those people who have to go to places where the terrain is very very tough. So I think this is going to give us good volumes. SUV ke hisab se affordability ki baat ki jaye, kimat kuch thoda sa agar uske bare mein jankari dein aapko. जी देखिए, ये आपने पूछा ये गाड़ी कब आएगी, करीब 2.5 महीने के करीब के दरमियान आसपास और लगेगा, तो प्राइस उस वक्त ही हम उसको बताएंगे आपको, लेकिन इतना मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि मारुति सुजुकी प्राइस के मामले में हमेशा कॉम्पिटिटिव रही है, और हम चाहेंगे अपने कस्टमर्स के लिए बेहतर से बेहतर जो प्राइस है वो प्रदान करें। सर फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में आ सकती है ये वाली? डेफिनेटली। सर मैं अब हम लोग जो मच अवेटेड एक और थी आपके जो इलेक्ट्रिक कार थी सर, आखिरकार उसके दर्शन आपने करा दिए सर। अब सर मैं ये जानना चाह रहा था कि कब से हम लोग इसको देख सकते हैं सर? इलेक्ट्रिक एसयूवी कार हम फाइनेंशियल ईयर 24-25 में उतारेंगे, ये हमने कल ऐलान भी किया जब ग्लोबल अनवेलिंग हुई थी इस इलेक्ट्रिक एसयूवी कार की, और वो हम सुजुकी के लिए और मारुति सुजुकी के लिए पहली एसयूवी कार होगी जो हम मार्केट में लेके आएंगे। और इसके बाद में आपसे फ्रॉन्क्स के बारे में भी एक बताना चाहूँगा कि एक दूसरा सेगमेंट, एक तो सेगमेंट मैंने जिमनी का बताया, फ्रॉन्क्स का एक ऐसा सेगमेंट है जो यंग अर्बन टेक्नोलॉजी सेवी कंज्यूमर्स हैं, जो कि एग्जिस्टिंग नॉर्मल एसयूवीज जो हैं कॉम्पैक्ट एसयूवीज उससे कुछ मुख्तलिफ चाहते हैं, और इसीलिए जो हमने फ्रॉन्क्स लॉन्च करी बहुत इसमें अच्छे ऑप्शंस हैं, पावर ट्रेन के भी 1 लीटर इंजन विद बूस्टर भी है, एट द सेम टाइम 1.2 लीटर इंजन भी है, तो बहुत ऑप्शंस भी दिए हुए हैं एंड फीचर से काफ़ी भरा हुआ है, तो आई थिंक इट्स आल्सो गोइंग टू गेट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स। फ्रॉन्क्स पर आ ही रहा था लेकिन आपने जवाब दे दिया सर, अच्छा है। सर मेरा अगला सवाल ये रहेगा सर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, क्योंकि इकोसिस्टम जो है अब इलेक्ट्रिक में आ रहे हैं सर, और हम लोग क्या ये देखेंगे आने वाले टाइम में मारुति बहुत एग्रेसिवली इसके ऊपर आगे बढ़ेगा, और इकोसिस्टम को लेकर सर क्या हम लोग आगे टाइप्स देख सकते हैं आपके इलेक्ट्रिक के वर्जन की बात की जाए तो? सर जी देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो पेनिट्रेशन है, एडॉप्शन रेट है हमारे मुल्क में और आलमी सतह पे भी, वो अभी भी कम है। आलमी सतह पे आप देखें तो 2.5% के करीब है, जबकि इंडिया में तो 1% के भी कम है। अगर हम पिछले साल के अगर हम वो देखें डेटा, तो उसमें 21,000 ईवीज बिकी थी, मार्केट 30,70,000 का था, यानी 0.7% से भी कम। एडॉप्शन रेट बढ़ाने के लिए दो खास हमें करना पड़ेगा, उसका दो बैरियर्स हैं जिसको हमें ओवरकम करना पड़ेगा। पहला है कि प्राइस ऑफ द व्हीकल,
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्राइस हाई है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हाई है, दूसरा कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे आपने फरमाया, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे कंट्री में अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है, वो जो इकोसिस्टम की जो आप बात कर रहे थे, तो जिसकी वजह से ना कंज्यूमर्स को एक रेंज एंग्जाइटी होती है कि भाई कितनी गाड़ी कब तक चलेगी मेरी, कब तक चार्ज बचा है एंड सो ऑन। मारुति सुजुकी काम कर रही है प्राइस के ऊपर, हम ऐसे काम कर रहे हैं कि बैटरी कॉस्ट कम करने के लिए हमारी पूरी कोशिश है, और बैटरी कॉस्ट 50% होती है ईवी की कॉस्ट की, इसलिए सुजुकी ने 9,000 से 10,000 करोड़ रुपए का सरमाया अभी ऐलान किया है बीईवीज और बैटरीज में। और दूसरा, जहां तक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सवाल है, कई प्राइवेट प्लेयर्स उसमें हैं, पब्लिक सेक्टर के प्लेयर्स भी हैं, सरकार की तरफ से भी काफ़ी उसमें मदद है, तो हम ये पूरा इंटीग्रेटेड सिस्टम एक बना रहे हैं ताकि हमारे कस्टमर्स को जो है इनकन्वीनियंस नहीं हो। मेरा आखिरी सवाल आपसे है सर, दिसंबर के अभी हमने देखा सेल्स के नंबर आए जिसमें मारुति की गिरावट देखी गई है सर, तो क्या कारण है सर, और जो फाइनेंशियली आ रहा है कंपनी क्या क्या कोशिशें कर रही है, एफर्ट्स कर रही है इसके लिए? जी देखिए, दिसंबर के नंबर आपको दो नज़र से देखने चाहिए। एक तो जो आपने गिरावट की बात करी वो होलसेल के नंबर है, होलसेल के नंबर दिसंबर के महीनों में ज़्यादातर उस पर मशरूत है कि आप कितना स्टॉक कम करना चाहते हैं। अब क्योंकि 2023 आ रहा है तो जनरली ओईएम्स क्या करते हैं, वो अपना स्टॉक और डीलर का स्टॉक भी कम करना चाहते हैं, इसलिए वो प्रोडक्शन जो है उस हिसाब से करते हैं ताकि इन्वेंट्री कम हो सके। तो मेरे हिसाब से, मेरी नज़र में शायद एक बेहतर आंकड़ा रिटेल सेल का है, और रिटेल सेल का जहां तक ताल्लुक है, 4,11,000 गाड़ियां रिटेल हुई हैं दिसंबर में, जो कि एक रिकॉर्ड है। कभी भी आज तक हमारी तारीख में, इंडियन ऑटो इंडस्ट्री तारीख में 4 लाख के ऊपर कभी गाड़ी रिटेल नहीं हुई, तो उस लिहाज से बहुत अच्छा रिटेल रहा है। और इनफैक्ट 2022 का जो साल है वो जो हमारी इंडस्ट्री है उसकी तारीख में जो है अव्वल तरीन जो सेल है वो 2022 में हुआ है, यानी 38 लाख के करीब का सेल हुआ है या जी। सो दैट्स द हाईएस्ट एवर एक्चुअली। 2018 में इसके पहले सबसे ज़्यादा सेल हुआ था, वो करीब 33 लाख के करीब सेल हुआ था, तो 33 लाख से 38 लाख है। तो इस नज़र से पिछला साल बड़ा अच्छा गुजरा, और हमें उम्मीद है कि आगे आने वाला साल भी अच्छा रहेगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।